इंडिया। कंट्रोल भाई कंट्रोल। अरे जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। घड़ी देख, उस घड़ी को आने में अभी 3 दिन बाकी हैं। 307 दिन के इंतजार के बाद मौका आया। मौका छोड़, चौकों और छक्कों पर कॉन्सेंट्रेट करना है अब हमें। ब्रो, रिमेंबर व्हाट द गोट MS धोनी सेड, रनिंग बिटवीन द विकेट्स एंड फील्डिंग आर टू थिंग्स दैट कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज। बूंद बूंद से सागर बनेगा यार। सागर छोड़, बाबर और रिजवान के बारे में सोच। पिछली बार याद है ना क्या किया था उन्होंने? याद है, ऑफकोर्स, कैसे भूल सकता हूँ। 10 विकेट का बदला 20 विकेट से लेंगे। 20 विकेट? अरे उनकी 10 लेंगे, अपनी 10 बचाएंगे। ऑल आउट प्लस नॉट आउट। वाओ, क्या प्लान है, किसने बनाया प्लान? हर इंडियन के दिल में ये प्लान है। इस बार सिर्फ जीत नहीं, विराट जीत होगी, विराट जीत। इसके लिए विराट का फॉर्म में आना तो जरूरी है। ब्रो, बिग प्लेयर्स ऑलवेज राइज टू बिग ओकेशंस, रिमेंबर। आई होप सो यार, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच से बड़ा तो खुद क्रिकेट भी नहीं है। ट्रू यार, तू एक काम कर, मैच वाले दिन में यहाँ पे आ जाना। मेरा तो है नहीं, अपन वार्म अप कर लेंगे। वार्म अप हम क्यों करेंगे यार, वार्म अप तो प्लेयर्स करेंगे ना। इमोशनल वार्म अप यार, पुराने इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखेंगे, वेलकम इन टू द वाइब ना, ट्राई कलर लगाएंगे, जर्सी पहनेंगे यार। तो मैं भी फुल चार्ज हो गया हूं, मुझसे वेट नहीं हो रहा यार। यार वेट तो मुझसे भी नहीं हो रहा था, लेकिन करना पड़ा ना। 10 मिनट। क्या हुआ रोहिणी, सब ठीक तो है ना? मिसेस दास हमारी बिल्डिंग में जो रहती है, लिफ्ट तो ऐसे यूज करती है जैसे उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। मैं 10 मिनट से नीचे खड़ी थी और लिफ्ट 14 माले पे रुकी हुई थी, फिर फाइनली नीचे आई तो कौन निकलता है? मिसेस दास। And she look like, कुछ हुआ ही नहीं है। तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए थी ना। मैंने की तो मुझे बोलती है आपको ही प्रॉब्लम हो रही है और किसी को तो प्रॉब्लम होती नहीं है। कमाल है यार। मैंने कहा हाँ ठीक है, I like to address my troubles to the troublemaker। तो पता क्या बोलती है? Do you know what she said? नहीं, हमें नहीं पता। कहती है आप पंजाबियों को तो हर चीज में इश्यू बनाने की आदत है, आप इतने लाउड नोजी और इम्पेशेंट होते हो। हम बंगालीज को देखो, हम कितने कल्चर्ड और काम और कंपोज्ड होते हैं। अच्छा हाँ, तुमने क्या बोला? मैंने भी बोल दिया। मैंने कहा आप बंगाली स्लो होते हो, इसीलिए तो जब लिफ्ट आती है तब आप नहीं आते हो, जब आप लिफ्ट में होते हो तो लिफ्ट कहीं नहीं जाती है, स्लो मोशन में करते हो सारा काम और आपको लगता है कि बाकी लोग इंपेशेंट हैं। लाउड है हम लोग। 3 दिन बाद बताएंगे हमारा जलवा, हमारी एनर्जी। जब मैच होगा ना तब पता चलेगा पंजाबियों का असली जोश। अच्छा लिसन, मैच का क्या प्लान बना, कहाँ देख रहे हैं हम लोग? यहाँ, मैं, तुम और अभी। हाउ बोरिंग। अरे इंडिया पाकिस्तान बोरिंग का बोलता है? इंडिया पाकिस्तान यार, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इंडिया पाकिस्तान, यहाँ थोड़ी देखेंगे। तुम एक काम करो, तुम कॉफी बनाओ, प्लान मैं बनाती हूँ। गाइस, आई हैव एन आईडिया, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। क्या क्या? सो टीवी पर मैच तो हम हर बार देखते हैं, इस बार लेट्स डू समथिंग बिगर। इमेजिन खूब सारी भीड़ और भीड़ में हम तीन, सबके हाथों में पोस्टर्स और बैनर्स और दिल में जीतने का जुनून, जन गण मन से लेकर रन बाय रन तक सब साथ मिलकर चीयर करेंगे। इंडिया 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 इंडिया। और टीम इंडिया जैसे ही जीत के विक्ट्री लैप ले रही होगी, मैं ग्राउंड पे कूद के उनके साथ टीम फी ले लूंगा, टीम इंडिया विद प्राउड इंडियन। चलो गाइस, पासपोर्ट्स निकालो, बैग्स पैक करो और जहान को मॉम डैड के पास छोड़ देंगे। वी आर गोइंग टू दुबई। अरे दुबई नहीं, मुंबई। मैं बोल रही हूँ यहाँ बिल्डिंग के बैंक्वेट में कुछ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। यहाँ? You mean get together? I mean match together. एक बड़ा सा प्रोजेक्शन स्क्रीन लगवा लेंगे और सारी सोसाइटी साथ में मिलकर मैच देखेगी, जैसे सारे बाकी के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, और किसी फेस्टिवल से कम थोड़ी है, इंडिया पाकिस्तान का मैच। गुड आइडिया। आइडिया तो मस्त है, लेकिन स्टार्टर्स का क्या? अरे दो वेज दो नॉनवेज मंगा लेंगे और चिप्स वगैरह तो होंगे। अबे स्टार्टर्स खाएंगे किसके साथ? कारोबार ब्रो। Are you sure? 100%। कार को फुल्ली लोड कर देंगे, बीच बीच में जाके डाउनलोड करके आएंगे। You know the drill? अरे ये ड्रिल तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन बाकी के बिल का क्या? खाना पीना, प्रोजेक्शन स्क्रीन, कुर्सियां वुर्सियां, वो सब खर्चे कौन उठाएगा? अरे सोसाइटी उठाएगी ना। हाँ। हम लोग मेंटेनेंस पे करते हैं ना, तो उसमें ये सब कल्चरल फंड्स भी होता है, इंक्लूडेड होता है यार, तो ये सारा वहीं से स्पॉन्सर होगा। जैसे स्टेडियम से बाहर बॉल जाती है ना, वैसे तुम्हारी ये बातें हमारे सेक्रेटरी गुप्ता जी के सर के ऊपर से जाएंगी। क्यों? अरे बनिया है वो, एक नंबर का कंजूस, मक्खी चूस। खर्चे का नाम सुनते ही ना अपने दिल पर हाथ रख लेता है, ऐसा लगता है जैसे कि सोसाइटी फंड से पैसा नहीं जा रहा है, उसकी पर्सनल फंड से पैसा जा रहा है।
तो एक काम करते हैं ना, सारे रेजिडेंट्स की एक वोटिंग करवा लेते हैं, लेट द पीपल डिसाइड। अच्छा चलो ठीक है, अगर गुप्ता जी परमिशन दे भी दें तो इतने कम टाइम में सारे अरेंजमेंट्स होंगे कैसे, कैसे मैनेज करेंगे? पार्टी की सारी रिस्पांसिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाएगी। उस दिन हम लोग मैच देखेंगे या फिर ये सब चीजें देखेंगे कि वॉल्यूम ज्यादा तो नहीं है, स्टार्टर्स कम तो नहीं पड़ गए, दाल फीकी तो नहीं है, पनीर चीड़ा तो नहीं है, ये सब झंझट कौन पालेगा यार? करेक्ट, मैच एंजॉय करेंगे या पनीर की क्वालिटी देखेंगे? इसलिए प्लान ऐसा बनाओ जिसमें फन तो हो लेकिन हम तंग ना हो। मतलब ये प्लान भी फुस। ओके या बाय। कहीं पर भी रिजर्वेशन नहीं मिल रही है भाई, सारी अच्छी जगह ऑलरेडी बुक्ड है, ऐसे लास्ट मिनट पे कोई भी बुकिंग मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है टेंशन मत ले यार, कारोबार ना सही, रेस्टोबार ना सही, घरोबार सबको यहाँ बुला लेते हैं। अरे सबके ऑलरेडी प्लान्स बन चुके होंगे यार। तुझे पता है हमारे फ्रेंड्स क्यों हैं? क्योंकि वो हमारी तरह है, आलसी, लेजी, कोई इनिशिएटिव नहीं लेने वाला है, हर कोई वेट कर रहा है कि कोई दूसरा प्लान बनाएगा और हमें इनवाइट करेगा, जैसे कि तू। तो फिर इस बार हम ही इनिशिएटिव ले लेते हैं ना, फॉर अ चेंज हम ही प्लान बना लेते हैं। अच्छा बता किस किस को बुलाना है? समीर, सोनाक्षी, रोमेटीना, अभय, वसीम, श्रुति, हुडा। हुडा नहीं यार, मत बुला, अवॉइड कर उसको। क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं प्रॉब्लम हुई नहीं है, पर प्रॉब्लम हो जाएगी यार। वो क्या बोल रहा है? हाइपर सा है यार, छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव हो जाता है, जाट बुद्धि है, किसी को कुछ बोलने नहीं देगा और करने भी नहीं देगा। और बाई चांस अगर इंडिया मैच हार गई तो टीवी तोड़ देना उसने मेरा। क्या बोल रहा है यार तू, शुभ शुभ बोल। शुभ शुभ ही बोल रहा हूँ, सिर्फ नाम से प्रशांत है, पर्सनालिटी से अशांत, अवॉइड हिम। बट आई थिंक हुडा इज फन यार, वो पार्टी में आता है तो फन डबल हो जाता है, अल्कोहल की कंजम्पशन भी डबल हो जाती है। 4 घंटे का मैच है, सुबह 4 बजे तक पार्टी कराएगा वो, तू करना, तेरी तरह सिंगल नहीं हूँ मैं आजकल, मेरे घर पे रोहिणी है, बच्चा है यार। वो बात तो सही है। अरे हो गई तेरी क्लाइंट मीटिंग, सब लोग आने वाले हैं आधे पौन घंटे में, और कोई काम तो नहीं है ना तुझे? अरे मेरा क्लाइंट टी चंद्रन है, टेल यू ही इज जस्ट सो स्टक अप, सो एरोगेंट, पता नहीं उसकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने 2 बार उसको प्रेजेंटेशन दी, एक बार हिंदी में जो उसको समझ नहीं आई ऑब्वियसली, और दूसरी बार इंग्लिश में, तो कहता है इट्स नॉट फनी। अरे अब हिंदी स्क्रिप्ट इंग्लिश में कैसे फनी लगेगी? दी साउथ इंडियंस आई टेल यू हैव अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फॉर सम रीजन। कौन सा मैच देख रहा है? इंडिया पाकिस्तान 2019 वर्ल्ड कप। यार सुनो ऋषि, वो लास्ट टाइम जो हमारा टीवी खराब हुआ था तो मैकेनिक जिसने रिपेयर किया था, डू यू हैव हिज नंबर? दो ना। किसको चाहिए? अरे मिसेस दास को चाहिए, उनका टीवी खराब हो गया है और ग्रुप पे मैसेज डाली जा रही है, बेचारी कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। अब आई ना मिसेस दास पहाड़ के नीचे। कौन सा पहाड़? मुसीबतों का पहाड़। शी डिजर्व्स दिस। क्या बोल रहे हो बेबी? उन्होंने क्या बोला था हमारे लिए? पंजाबी इज लाउड नोजी, नाउ यू डोंट पोक योर नोज इन दिस। अरे बाबा डोंट बी इनसेंसिटिव, उनका मैच छूट जाएगा। अरे आज के दिन कौन टेक्नीशियन आएगा, वो भी तो अपने घर पे मैच देख रहा होगा। एग्जैक्टली, मिसेस दास को बोलो टेक्नीशियन की आस छोड़ दे, आस पास जाके कहीं देखे, नहीं तो रेडियो पे सुन ले। व्हाट अबाउट हमारे पास? यहाँ? हाँ। हमारे लिविंग रूम में, हमारे लिविंग रूम में हम अपने स्टाइल, अपने अंदाज से मैच देखेंगे, पूरे पंजाबियों के जोर शोर के साथ ऐसा चीयर करेंगे टीम इंडिया को कि आवाज कराची तक जाएगी। शी वोंट माइंड। अरे आज के दिन कोई माइंड नहीं करेगा, रोहिणी बुला लो उन्हें। हेलो मिस दास, कुछ हुआ टेलीविजन का, कोई रिपेयर करने के लिए आ रहे हैं? हाँ मुझे लग ही रहा था। तो अगर आपका कोई और प्लान नहीं बना तो आप यहाँ आ जाओ हमारे घर, हमारे साथ देख लो। हाँ मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली। अच्छा कितने फ्रेंड्स हैं? हाँ तो ठीक है उन्हें भी ले आओ, द मोर द मेरियर। स्टार्टर्स? या ऑफ कोर्स, या वी ऑल लव बंगाली फूड। मिस्टर डोई, मिस्टर डोई। ओके ओके फाइन, ठीक है, सी यू। डूड मिस्टर डोई मिला रही है। अरे यस। क्या कमाल की बात है ना, इंडिया पाकिस्तान के मैच के दिन हम सब अपने गिले शिकवे, जात पात, रीजन रिलीजन भूलकर एक हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, उस दिन हर किसी के दिल में बस एक ही जज्बा होता है, मेरी जान हिंदुस्तान। कल का क्या? कल से फिर वही, कोई गुजराती तो कोई मराठी, कोई पंजाबी तो कोई बंगाली, कोई नॉर्थ इंडियन तो कोई साउथ इंडियन, कोई कश्मीरी तो कोई बिहारी। लेकिन मेरी जान हिंदुस्तान, ये तो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए ना? होनी तो चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी डिफॉल्ट सेटिंग में ही फॉल्ट है। हम सब हिंदुस्तान से प्यार तो करते हैं लेकिन हिंदुस्तानियों से हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं जजमेंटल हैं। हम लोगों को कपड़ों के लिए, अपीयरेंस के लिए जज करते हैं, बोलचाल, लैंग्वेज के लिए जज करते हैं, रीजन, रिलीजन, कास्ट, ऊंच नीच, बहुत ही लंबी लिस्ट है यार। लेकिन ये बदलेगा कैसे? बदलेगा नहीं, हम सबको मिलके बदलना पड़ेगा। जैसे टीम इंडिया को चीयर करते वक्त पूरा इंडिया एक टीम हो जाता है ना, बस उसी इमोशन, उसी जज्बे, उसी फीलिंग को सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा कंटिन्यू करना है, हर दिन, उम्र भर। हाय गाइस, तो अब
वीडियो के एंड में आकर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हमने किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में जो कुछ भी कहा वो क्यों कहा। अगर नहीं कहते तो आप तक ये ब्यूटीफुल मैसेज पहुंचता नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, भूल चूक माफ कीजिएगा। यस, और अगर ये एपिसोड आप लोग को अच्छा लगा और ये एपिसोड देखकर आपके अंदर भी मेरी जान हिंदुस्तान वाला जज्बा जागा है तो हर हिंदुस्तानी के साथ शेयर कीजिए। और 28 तारीख को मैच में इतना जोर से चीयर करेंगे कि वाकई आवाज कराची तक जानी चाहिए। इंडिया इंडिया इंडिया।